ये दो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको अच्छे से आएगी, 2 और 3% वाली भी। एक और बच्चों जो यूज होगी दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से ही समझ आ रहा है, मोल्स का फ्रैक्शन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो सिंपल सा फंडा है, एक चीज का मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना हो, मान लिया दो चीजों का मिक्सचर है ए और बी, तो ए का मोल फ्रैक्शन विल बी मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ऑलराइट, ये सिंपल सी चीज है मोल फ्रैक्शन। एक का मोल फ्रैक्शन एक्स होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन टोटल फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों 1। ठीक है, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी भी लिख सकते हो आप। और जो फर्स्ट पार्ट में आया है एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हो। ऑलराइट, सो मोल फ्रैक्शन इज मोल्स का फ्रैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट के केस में क्या हो जाएगा, दो चीजें है ना यहाँ पे, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, उस केस में हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऑलराइट, सिंपल, ठीक है, कर पाओगे बच्चों इजी। दोनों के मोल्स निकालने हैं आपने, सॉल्यूट के सॉल्वेंट के। ऊपर जैसे मास निकाल लिया था ना अपने सॉल्वेंट का, कितना 80 ग्राम निकाला था अभी, तो 20 ग्राम एनए वाइज था, 80 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी था, है ना, तो वाटर के मोल्स आ जाएंगे, एनए वाइज के मोल्स आ जाएंगे, फॉर्मूले में उठा के रख देंगे। समझ आ रहा छू, तो फाइंड करो। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लेट्स से 10% by weight aqueous NaOH solution karo jo So I got 1/21. Yes, sir, me too. Same, sir. हाँ बच्चों बहुत सही,
कितना निकाला, 1/21। सबने आर्यन, अच्छुपन, वेरी गुड। तो आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया है ना, इसको डीकोड करना है ना, एक को डीकोड मारना है अपन ने। 10% बाय वेट मींस 10 ग्राम NaOH इन वेरी गुड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बहुत इजी है, ये है ना, 90 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट हमारा पानी है। क्लियर है बच्चों? तो बस फिर हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको समझ आने चाहिए इजीली। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर 90/18। तो वेरी गुड, यू लेट दिस, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। तो अब इसमें जो सबसे खतरनाक चीज है सबसे, तो इसी जो इसको टफ बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, वो फिर मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने का, है ना। ये सब तो आपको आ गया है ना कि मोलैरिटी, मोलैरिटी को निकालना परसेंटेज से, ठीक है बच्चों। मोलैरिटी और मोलैलिटी को इंटर कन्वर्ट करना वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, मोलैरिटी मोलैलिटी को आपस में इंटर कन्वर्ट करना दैट इज स्लाइटली ट्रिकी, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कर लोगे आप लोग, ठीक है बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल है ना, फिर मैं आपको इसका चाहे तो एक फॉर्मूला भी दे दूंगा, हालांकि स्टेप्स से ही इजी रहता है करना। तो अगर बच्चों आपको मोलैलिटी गिवन है, फॉर एग्जाम्पल टू मोलल मोलल मीन्स मोलैलिटी एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टू मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, सबसे पहले मेरे को इसको डीकोड करना है, इसका मतलब बताओ मुझे, टू मोलल का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन बता रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी बिल्कुल सही बात है, या फिर इतने मोल्स इन 1 kg, है ना, डिनोमिनेटर में जो चीज होती है उसको 1 कर देंगे, ठीक है, 2 मोल्स यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, मोलैलिटी का डेफिनेशन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में कितना है, है ना। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नीचे 1 एज्यूम कर लेते हैं हम, है ना, समझ में आ रही बात। 2 मोलल मींस 2 मोल यूरिया पड़ा हुआ है 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है। सबसे पहला काम है हमें ये इसका मतलब लिख लिया, बताओ मेरे को, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, है ना। अब बताओ बच्चों मेरे को कि मोलैलिटी, तो आपको पता है मोलैरिटी निकालनी, मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए मेरे को? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ऑलरेडी पता है हमें 2 मोल्स यूरिया अपॉन, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है आचमन। तो मैंने सोचा कि अच्छा मेरे को चाहिए क्या मोलैरिटी के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑब्वियसली गिवन हुआ क्वेश्चन में, डेंसिटी के बिना तो ये चीज हो ही नहीं सकती इंटर कन्वर्जन। लेट्स से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी है, मैंने मान लिया 1.1 ग्राम पर ml, ऑलराइट। अब मुझे बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी पता है मुझे, वॉल्यूम मुझे निकालना है, चाहिए मुझे, समझ आ रहा है सबको, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे चाहिए। और मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप? सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। क्या हमें चाहिए, क्या है हमारे पास, और हमें कैसे निकालना है वो मास ऑफ सॉल्यूशन, ऑलराइट बच्चों। नव्या, एनी डाउट? नो सर, ठीक है। तारीशा, समझ आ रही बात? 2 मोल्स यूरिया, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए 2 मोल्स यूरिया है, तो सॉल्यूट का मास आ गया 2 × 60, बिकॉज मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60, मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर ml, ग्राम पर मोल, सॉरी। तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मुझे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, 2 × 60, 120 ग्राम तो यूरिया के हो गए, और 1000 ग्राम 1 kg, तो 1120 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को?
आचमन, आर्यन, वैभव? नो सर। नो सर। बस फिर अब हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से। ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं इस कन्वर्जन में, समझ में आ रहा होगा आपको। ग्राम पर एमएल में है तो एमएल में वॉल्यूम आता है सबसे पहले। यहाँ तक देखो बच्चों, ठीक है, क्या किया हमने, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया ऐड करके सॉलिड और सॉल्वेंट को, और फिर डेंसिटी से बच्चों हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल ली। ऑलराइट, और बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में आ गया है, लीटर्स में करने के लिए थाउजेंड से हमने डिवाइड कर दिया। ये जो भी 112/110, एंड नाउ द लास्ट स्टेप, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बताओ किसी को कोई डाउट, कर पाओगे? ये सबसे ट्रिकी चीज है ना, जे एडवांस में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, है कॉन्सेप्ट ये 11th के फर्स्ट चैप्टर का, समझ लो आप, ठीक है। तो ये चीज है, ध्यान से देखो इसके स्टेप्स और मुझे बताओ किसी भी स्टेप में कोई डाउट, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चंस में। नो सर। सर हाँ जी, वो प्लस 1000 कहाँ से आया बच्चे? 2 मोल्स यूरिया इन 1 केजी सॉल्वेंट, ठीक है, समझ आ गया ना? ओके, हाँ, 1 केजी सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। तो मेरे को सॉल्यूशन का मास चाहिए था ना, इसलिए मैंने क्या किया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऑलराइट बच्चे, हाँ जो और कोई डाउट करोगे अब इसको, क्वेश्चन को निपटा दोगे इसका क्वेश्चन, है ना? चलो करो। लेट्स से 3 मोलल एक्वस एनए विद सॉल्यूशन, NaOH का मोलर मास इज 40 ग्राम पर मोल एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, अच्छा डेटा देते हैं आपको, 1.12 ग्राम पर। क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा ये अच्छा डेटा क्यों है। फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, करो जो सर 3 इसका आंसर आ गया सर, मेरा 3 आ रहा है। करने वाला था लेकिन फिर वो मम्मी से नंबर लेना था। कोई नहीं, तो अभी करेगा या तो बाद में, क्लास के बाद कर दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो सेम 3। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो आ गया तो स्टेप्स है ना, हम इसकी थोड़ा सा बस यार ये प्रैक्टिस जरूर एक दोबारा आपको करनी है, क्योंकि ऐसी चीज है ना, नई चीज है, ये दिमाग से स्लिप नहीं होनी चाहिए, फ्री मोलल है ना। तो स्टेप वन इसमें है बस कि डीकोड कर लो, जो गिवन है उसको डीकोड करना, वो आपको सबसे पहले आना चाहिए। थ्री मोल्स NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डीकोड जो हमें गिवन है, ठीक है ना अपना। और हमें चाहिए मोलारिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे हम ऐड करके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आपको आपने देखा मैंने ये वाला जो डेटा दिया उससे कितना फायदा हो गया हमें, कैलकुलेशन आसान हो गई है ना। नहीं कुछ और होता तो भी करना तो भाई, ये आ गया 1120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहला स्टेप। ऑलराइट बच्चों, फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां से आ जाएगा सॉल्यूशन का, वो 1000 ml आ जाएगा, इसलिए ऐसा डेटा दिया है। 1000 ml मींस 1 लीटर बस। तो मोलारिटी भी सेम आ गई, मोल्स by volume of solution in meters, clear everyone? तो ये बच्चों सबसे इसमें जो सबसे मजेदार molarity और molarity का conversion। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे mostly inter conversions, molarity, molality। सो एक छोटा सा डाउट नहीं, बस एक क्वेश्चन है। मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी एनसीईआरटी से, तो उसमें से सर उन्होंने एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रखी है, बट क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में है, बट लाइक ज्यादा जैसे आप करवा रहे हो क्वेश्चंस वैसे नहीं है। सो कोई और बुक है? टेंशन ही मत, फालतू की कहानियां है उसमें, उसकी टेंशन मत लो, मेरे को पता है ना कि क्या क्या है उसमें, डोंट वरी। वो सब कहानी मेरे को भी सुनानी है, मैं लास्ट में एक साथ सुना दूंगा, पहले मैं काम की चीजें बता रहा हूँ आपको। टोटली बिल्कुल टेंशन ही मत, सब चीजें बता दूंगा है ना, वो कहानियां मैं लास्ट में सुना दूंगा, व्हेन आई विल बी एंडिंग द चैप्टर व्हिच आर नॉट रेलेवेंट। हमें यहाँ पे यही सब चीजें सीखनी है, मोलारिटी मोलारिटी है ना, कैलकुलेशन करना, ये सब सीखना है, ये हमारा मेन एम है इस चैप्टर का। और ऑलरेडी उसे आप वो सब टेंशन मत लो। yes. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। परसेंटेज वगैरह नहीं बताया ना मैंने अभी आपको, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताया था स्टार्टिंग में। अच्छा, परसेंटेज बाय वेट बताया था और एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दें ये स्टार्टिंग में। स्टार्ट मतलब लास्ट लास्ट वीक बता दें शायद। अच्छा, इंपीरियल फॉर्मूला बाकी लोगों का हुआ है क्या? किस किस का नहीं हुआ इस क्लास में? इंपीरियल फॉर्मूला तारिशा ने नहीं किया होगा? नो सर, मैंने नहीं करा सर, आज मैंने भी नहीं किया। ठीक है चलो करा देता हूँ इसे, क्योंकि काफी लोगों ने नहीं किया। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट, तो जो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब सिंपल सही होता है कि जैसे CH4 है ना, या कोई भी कंपाउंड है C2H6 है, उसमें कार्बन का कितना परसेंटेज है बाय परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय वेट है ना, ये सिंपल सिंपल सी चीज NCERT में भी है हर जगह। तो कितना है वेट कार्बन का? 12 to 24 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है पूरा मोलर मास है ना, ये सिंपल सी चीज, इसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट। तो एटम्स का कंपोजिशन तो ये है कि भाई दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलके इथेन का मॉलिक्यूल बन रहा है,
लेकिन परसेंटेज बाय अगर वेट पूछे तो 12 to 24 है कार्बन, इतना ग्राम कार्बन है, और टोटल 24 और 6 30 ग्राम उसका पूरा मोनो मास है। तो परसेंटेज निकालेंगे हम वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट यानी कि मोलर मास इनटू 100। ठीक है, जो सिंपल कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वेट। अब इस सिंपल सी चीज पे घुमा फिर आगे क्वेश्चन कुछ आते हैं, जैसे इफ परसेंटेज ऑफ लेट्स से सल्फर 3.2% बाय वेट इन अ कंपाउंड, फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ इसका। सल्फर का मास नंबर होता है 32, और ऊपर जो हमने परसेंटेज निकालना है वैसे ही सोचना है आपको, वैसे ही सोचना है। ट्राई इट आउट, मोलर मास ऑफ सल्फर या सल्फर का मास नंबर इज 32। सो 1000। यस, वेरी गुड, वेरी गुड कारिशर। बच्चों जो भी कंपाउंड होगा उसमें हम मान लेंगे कि एक्स एटम्स है ना, हालांकि मिनिमम के लिए मोलर मास ये एक्स का वैल्यू माना जाएगा, लेकिन मैं लेट्स से अज्यूम कर रहा हूँ कि उसमें एक्स एटम्स है ना, जैसे ऊपर जो इथेन था बच्चों उसमें कितने कार्बन के 2 एटम्स थे। ठीक, इसमें एक्स मान लिया मैंने, कुछ नहीं दिया गिवन है तो एक्स मान लिया। तो मास ऑफ सल्फर कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए मास ऑफ सल्फर विल बी 32x। ऑल राइट, तो मास ऑफ सल्फर इज 32x डिवाइड बाय मोलर मास जो मैं फाइंड करना है इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको दे रखा है 3.2%। मास जो आ जाएगा, मोलर मास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, है ना, 1000x। आप कैलकुलेशन करोगे आ गया 1000x। मिनिमम के लिए एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम एक एटम तो होगा ही होगा, आधा एटम तो भी होता नहीं है किसी मॉलिक्यूल में, मिनिमम 1 एटम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो 1000x आ रहा है मोलर मास, तो मिनिमम वैल्यू विल बी 1000 ग्राम पर मोल। ऑल राइट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? परसेंटेज निकालने वाला, परसेंटेज का मतलब क्लियर है, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले हमने देखा, एक और कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ आयरन इज 2.8 by weight in a cancer drug, find minimum molar mass of the drug. टू थाउजेंड। परसेंटेज ऑफ आयरन इज मास ऑफ आयरन,
अपॉन मोलर मास इनटू 100, ठीक है, परसेंटेज यही होगा, सिंपल, सबको मेथड समझ आ गया है, कुछ कुछ भी निकालना आप आराम से, इसमें बस कैलकुलेशंस होती हैं इस चैप्टर में, सिंपल सी करना स्टार्ट करेंगे और आ जाएगा सीधे सीधे मोलर मास इज इक्वल टू 2000x, मिनिमम कितना हो जाएगा 2000 ग्राम पर मोल, सिंपल है, सब कुछ समझ आ गया, ओके। अब बच्चों हमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन स्कूल के लिए भी, एनसीईआरटी में भी हर जगह एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना बाय परसेंटेज ऑफ वेट, वो देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, दिस इज मॉलिकुलर, मॉलिकुलर फॉर्मूला बताता है एक मॉलिक्यूल में क्या सीन है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ऑलराइट। तो बच्चों अगर ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है CH2O, इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, मतलब एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, समझ में आ रही है सबको बात, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड इंपीरिकल फॉर्मूला, ऑल राइट। ठीक है तारिशा, नब्बे हमारी बात आचमन पे आ रही, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल, तो जो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ एटम्स का है ना रेशियो है, नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर कैसे निकालते हैं, वही मोल्स बाय सॉरी मास बाय मोलर मास याद ही आपको, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए परसेंटेज बाय वेट गिवन होगा, है ना, लेट्स से परसेंटेज बाय वेट गिवन है आपको कार्बन और हाइड्रोजन का, है ना, कार्बन का 75% गिवन है और हाइड्रोजन का 25%, ठीक है, मतलब कार्बन 75% बाय वेट है जो भी हमने ऊपर निकाला था और हाइड्रोजन 25% है, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो क्या करेंगे उसमें हम, सिंपल है 75-25 ये मास एज्यूम कर लेंगे, 75 ग्राम ये 25 ग्राम ये, क्योंकि अगर 100 ग्राम है कंपाउंड उसमें 75 ग्राम ये होगा 25 ग्राम ये होगा, है ना भाई। अब अगर ये वेट्स हैं तो हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करते हैं, मास बाय मोलर मास, कार्बन का मास इज 12, कार्बन का मास नंबर कितना है 12, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है 1, हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, एच के कितने एटम्स हैं, समझ आ रहा है सबको, ठीक, तो अगर ये मासेज हैं जो परसेंटेजेस हैं वही मासेज हो गए, उसके बाद हम मास से नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको बताइए, गिवन मास बाय मास नंबर, ऑल राइट, ठीक है बच्चों, तो 25 by 1 और 75 by 12 ये इनके मास नंबर आ गए, सॉरी ये इनके नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला इन्हीं का तो होल नंबर रेशियो होता है, इन्हीं का रेशियो चाहिए मुझे, ठीक है, ये है नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, ये है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बताओ आचमन क्लियर है ये, सिंपल, yes, तो हमें बच्चे इसका रेशियो चाहिए, और रेशियो है मैथ्स निकालने की, बहुत मैथ्स मैथ्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका ये हो गया 12 को आप डिवाइड करोगे शायद 6.25 आ जाएगा, 25 हो जाएगा, तो छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों, ये 1, ठीक है नव्या, एनी डाउट, और ये 4, 1 और 4 रेशियो आ जाएगा बच्चों, बच्चों हमारा CH4 है ना, दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला, समझ आ रहा है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। यही चीज मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकाल दूं, एक है 75 by 12 और एक है 25 by 1, तो आप रेशियो कर दो, कितना आएगा रेशियो, 25 3 75 डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ये आ गया 1:4, समझ आ रही है, मैथ्स कैसे भी लगाओ इसमें,
All right, Tarisha, any doubt? No, sir, I've done this in 10th. हाँ ये सब ठीक है, 10th में भी होती है, वेरी गुड. आईसीसी बोर्ड में, हाँ 10th में भी आता है ये चीज, ठीक है. बच्चों समय आ गया सबको, तो इस तरह से अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं. ठीक, कर रही क्वेश्चन. तानिया क्लियर है, क्या नाम है, नव्या क्लियर है? Yes, sir, even I've done this in 10th. Okay, very good. ठीक है, तो ये आप लोगों को आता ही है, निकालो परसेंटेज बाय वेट की बने. फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. आप लोगों को मैंने शीट्स भेजी हुई है ना, वो करनी स्टार्ट करो. जो डाउट्स अभी शायद बाकी लोग ऐड हो चुके हैं ना ग्रुप पे, तो तारिश्का नंबर आप लोग ऐडेड हो ना ग्रुप पे? यस सर. ओके, तो शीट्स मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगा, बाकी आप लोग C1H2O1. हाँ वेरी गुड. और बच्चों आप लोग सब लोग ना ऐप भी डाउनलोड कर लो यार, फिर मैं उस पर टेस्ट वगैरह भेजना शुरू कर देता हूँ आपको ऐप के थ्रू डायरेक्टली. मेरे को ईजी पड़ता है टेस्ट वगैरह आपको सीधे सेंड करना, ठीक है. ऐप किसी सबने ऐप डाउनलोड करके 100 प्लस वाली? यस सर. यस सर. मैं उसकी पे टेस्ट वगैरह भेजना शुरू कर देता हूँ, ताकि आप लोग वीकली एक एक छोटा छोटा पेपर कर लिया करो, प्रैक्टिस होती रहेगी. बस इसमें क्वेश्चंस ये सभी हैं चीजें. सो इज इट CH2O? हाँ जी, जो आगे सबका आंसर CH2O है ना, तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें. आप लोगों को वेरी गुड, सबको आता है ये चीज. ये अच्छी बात है, सबको आता है, तो मैं सीधे आंसर ले देता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है बच्चों, ओके. और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, हमें उसके लिए एक एक्स्ट्रा डेटा गिवन होगा. फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180. ये भी आता है सबको, निकाल दो एक बार. यस सर. C6H12O6.
अगले सही मंथ से यस सर इंटीग्रल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन होता है एक इंटीजर का इंटीग्रल फॉर्मूला इनटू सम इंटीजर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रिलेशन रहता है जो एम्पिरिकल मास में और मॉलिक्यूलर मास में ये वैभव तेरे को आता है ये चीज है ना ठीक है वैभव डाउट कोई डाउट है बता दे रहना किसी को कोई डाउट हो तो CH2O का एम्पिरिकल मास ऐड करके आ जाएगा 30 12 प्लस 16 प्लस 2 इनटू n इज इक्वल टू मोलर मास यहां से n की वैल्यू आ गई 6 कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n इजी C6H12O6 ठीक है तारीश अनबरा मन एनी डाउट छो नो सर ये नहीं अब ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो नहीं आता होगा आपके मेरे को पता है ना वो नहीं किया होगा आपने कराता हूँ आपको ठीक है आयरन ये नहीं किया आपने भी इसको ट्राई करके आप पता होगा इसमें दिमाग लगाओ उसमें सेम कॉन्सेप्ट पे है बिल्कुल लेकिन मजेदार क्वेश्चन है NCERT है ऊपर से लोग ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे ये बच्चों 34th क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है सर कर रखा है आरएन करा लिया था ये नहीं आपने शायद मैंने किसी डीपीपी में देखा था उसमें लेकिन सेम क्वेश्चन कर रखा है चलो कोई ना एक बार फिर से ट्राई कर ले आरएन तो अपने डाउट भेज देना मेरे को ना बाकी लोगों बच्चों मैं आपको शीट भेज रहा हूँ ग्रुप पे है ना अब आपको काफी चीजें आती है इस चैप्टर से मोलारिटी मोलारिटी लिमिटिंग रीजन है ना सबको काफी चीजें आती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशंस तो आप सबको वो क्वेश्चन बस ट्राई करने हैं उसके ठीक है नव्या फिर वो थोड़ा बहुत वो कहानी वाला पार्ट में बता दूंगा सिंपल सी चीजें Sir, done. CH empirical formula, 26 molar mass and C2H2 molecular formula.
आ गया चुप? यस सर। 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं मुझे तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो एक बार देखते हैं। ये आते हैं आईसीएसई बोर्ड वगैरह में भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो जो कंपाउंड है उसको हमने कंबस्ट करने पे जलाया जलाया उसको तो 3.38 ग्राम CO2 बन रहा है, और कितना 0.69 ग्राम वाटर है, ठीक है तारीशा ने अभ्यास हमारी बात। तो ये है सीन, हमें इंटरेस्ट है कार्बन और हाइड्रोजन के वेट में, हमें किसमें इंटरेस्ट है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के वेट में, ठीक है। तो एक एक कंपाउंड से जब एक एलिमेंट का वेट निकालना हो, है ना, तो CO2 में कार्बन कितना है, 12 out of 44, कार्बन इज 12 out of 44 टोटल में से, टोटल CO2 का वेट कितना है 44, कार्बन कितना है 12, है ना। जो ही आप जो आपने ऊपर परसेंटेज वाला फंडा भी पढ़ा उससे भी आप निकाल सकते हो, समझते हो आप लोग सब इतनी मैथ्स, कि टोटल 44 ग्राम अगर CO2 है उसमें से 12 ग्राम कार्बन है, समझ में आ रही बात सबको, 12 out of 44 इज कार्बन, ठीक। तो 3.38 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा, 3.38 ग्राम अगर CO2 है उसमें वेट ऑफ कार्बन कितना होगा, 12 by 44 into 3.38, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रहेगा सबको बच्चों। इस तरह से हम टोटल वेट में से एक एलिमेंट का वेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड करके जो भी आएगा कैलकुलेशंस, और ये 3 by 11 है ना, 4 3 12 4 11, और ये जो भी आएगा, ठीक है। यहां से आ जाएगा वेट ऑफ कार्बन कितना आ रहा है यार, ये आ रहा है कैलकुलेशंस की इसकी, इसका आ रहा है 9.9, मैंने ऐसे सीधे इस इक्वेशन में पुट कर दिया था, उसके साथ ही कर दिया था, साथ में कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, सही बोल रहे हो, ठीक है। ये आ गया वेट ऑफ कार्बन, हाँ लास्ट में करते हैं कि कैलकुलेशंस कोई जल्दी नहीं, वेरी गुड। और सिमिलरली ठीक है तारीशा, जब मैं आचमन समझ आ रहा हूँ मतलब, yes, हाँ सिमिलरली वाटर में हाइड्रोजन कितना है, 2 out of 18, पूरा वेट है 18, उसमें से हाइड्रोजन है 2, यानी कि 1 out of 9, ठीक है। वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 0.69 ग्राम हो जाएगा 1 by 9 of 0.69, ऑल राइट। ये दोनों के वेट आ गए बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के, यहाँ से हम इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। कार्बन का वेट हाइड्रोजन का वेट आपके सामने है, 3 by 11 into 3.38, 1 by 9 into 0.6, ये वेट है नंबर ऑफ एटम्स के लिए, आज में समझा रहा है, 12 से डिवाइड कर देंगे, और इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, ये आगे नंबर ऑफ एटम्स, इनका रेशियो चाहिए अपने, ये आप बच्चों अब करोगे तो सेम ही आ जाएंगे दोनों, करके देखना एक बार आप लोगों को, सिमिलर आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा, ऑल राइट। तो सी कितना आ जाएगा, C1H1, ठीक है। ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेशंस के बाद, और इसमें सेकंड पार्ट में निकालना था मोलर मास, आपको गिवन था कि 10 लीटर का वेट 11.6 ग्राम है ना, 10 लीटर एट STP का वेट 11.6 ग्राम, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स निकालने का एक तरीका वॉल्यूम बाय 22.4 और एक तरीका मास बाय मोलर मास। तो यहां से बच्चों मोलर मास आप निकालोगे तो कितना आएगा, आयरन 26
हाँ सी मोलर मास आएगा 26 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, समय आ गया सबको इम्पेरिकल फॉर्मूला का पढ़ना छोड़ बता दो, कोई डाउट हो तो किसी को भी इस क्वेश्चन में। तो हमने इम्पेरिकल फॉर्मूला देख लिया क्या होता है ना, मोलारिटी मोलारिटी ये सब चीजें देख ली। अब कुछ ज्यादा चीजें चैप्टर में बची नहीं है फाइनली, तो अब हम लास्ट में जो ये सब इसमें जो थोड़ी बहुत थ्योरीज चीज वाली चीजें हैं उस पे आ जाते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ना, ये भी 9th-10th में होता है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, भी बताऊंगा तो आपको कहानी याद आई जाएगी सारी। तो जो कुछ लॉज होते हैं केमिकल रिएक्शंस के जो हम फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ है ना कॉन्स्टेंट मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मास पढ़ा हुआ होगा आपने मोस्ट प्रोबेबली। टोटल मास रिमेन्स कंजर्वड है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स रिमेन्स कंजर्व, तो टोटल मास ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज सेम बिफोर द रिएक्शन एंड फाइनल रिएक्शन है ना, रिएक्शन होने से मास पे कोई टोटल मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ खास इसका एप्लीकेशन है नहीं कुछ ना, वो ये बस स्कूल में स्टेटमेंट बोलेंगे स्टेट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मास है ना, और उसको प्रूव कर दो है ना, कुछ भी आपको ऐसा डेटा दे देंगे कि प्रूव लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मास इज ट्रू है ना। तो ये सब चीजें होंगी कि ऐसे जैसे मान लिया मैंने सिल्वर या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, मैंने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, उससे ऑब्वियसली 5.6 ग्राम ही बचेगा, ठीक है, और साथ में CO2 गैस निकल जाएगी, साथ में थोड़ी क्या निकल जाएगी CO2 गैस, ठीक है। तो बोलेंगे कि फाइंड वेट ऑफ CO2 रिलीज्ड इफ ऑन हीटिंग 10 ग्राम CO2, 5.6 ग्राम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 5.6 ग्राम ऑफ सॉलिड वेट रिमेन्स। तो कुछ भी बड़ी बात नहीं इसमें है ना, 10 ग्राम था इनिशियली, 5.6 ही बचा, तो बाकी दो ही चीजें हैं, तो बाकी जो है वो बाकी वेट किसका होगा CO2 का होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ये सब छोटे छोटे से लॉज हैं, 9th-10th में भी पढ़ते हैं हम ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मास। क्लियर, कोई डाउट हो इसमें किसी को बता दो। नो सर, ठीक है ना भैया। तो आप इसकी बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ना, ये सब चीजें काफी सारी दे रखी हैं उसमें थ्योरी। और so, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन कुछ और था, मैं पूछना चाह रही थी कोई और बुक से would you recommend that we should study from another book apart from NCERT? study नहीं, study तो सिर्फ आपको notes से पढ़ना है मेरे है ना। अच्छा ठीक है, जो है ना do questions from wherever, जहाँ से भी आपको मिले, वो जहाँ से मिले आपको है ना, कोई भी पैकेज हो किसी के भी है ना, questions मैं भी send कर रहा हूँ आपको। numericals नहीं, वो वही थी ना biology publications की। हाँ हाँ, वो भी क्वेश्चंस के लिए बचे ना, वो पूछ रही शायद पढ़ना कहाँ से ना, पढ़ना तो सिर्फ नोट्स है, थ्योरी यहाँ से पढ़ो बहुत है, क्वेश्चंस कहीं से भी करो है ना। बालाजी पब्लिकेशंस की मैंने एक बुक बोली थी, दैट इज आल्सो फॉर न्यूमेरिकल्स, जहाँ से भी ना न्यूमेरिकल्स कहीं से भी करो प्रैक्टिस, जितना करोगे उतना ईजी लगने लगेगी चीजें। ऑलराइट बच्चों, समझ वाली बात ठीक है ना भैया। सेकेंड एक और लॉ है, लॉ ऑफ definite proportion या constant proportion, constant
बोलते हैं डेफिनेट वर्ड भी यूज करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन. जो कि आप बोल सकते हो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया. किसी भी कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन बाय वेट होता है एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट या डेफिनेट सेम रहता है ऑलवेज रिमेन सेम है ना. वाटर है कहीं से भी उठा लो कोई भी सोर्स हो इसका है ना टैप वाटर हो सी वाटर हो कोई भी वाटर व्हाटएवर बी द सोर्स हमेशा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशियो बाय वेट क्या रहेगा 2:16 है ना. 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन होगा. ठीक है बच्चों 1:8 ठीक है. डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा. ऑलराइट तो प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स remain constant whatever be the source of compound. Whatever be the source of compound, ठीक है? इसको हम ऐसे ही जैसे हमने ऊपर यूज किया था जो क्वेश्चन में कि मेरे को निकालना हो कि भाई लेट्स से 100 ग्राम वाटर है 100 ग्राम क्या है वाटर उसमें कितना हाइड्रोजन होगा 1/9 1 out of 9 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 1 out of 9 इज वाटर तो 1/9 × 100 ग्राम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा. समझ आ रहा है सबको. और 8/9 × 100 ग्राम क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा ना. अगर मुझसे कोई पूछे कि 100 ग्राम वाटर बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा कितना ऑक्सीजन लगेगा समझ आ रही बात सबको. सो इट विल सिंपली बी दिस. ऑलराइट क्लियर बच्चों. ये एक एप्लीकेशन हो सकता है इस वाले लॉ का. जैसे बताओ मेरे को फाइंड वेट ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड वन केजी सीओ टू गैस. आगे बच्चों इसका आंसर तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें फिर रिएक्शन लिख कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें सीधे हम ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चन में हम सीधे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगा देंगे. कार्बन 12 होगा और ऑक्सीजन होगा 32. All right, so 3:8. Chal, let's go. यहाँ पे जस्ट लाइक जैसे हमने
देखा ही था कि 3/11 will be carbon, 8/11 will be oxygen. ठीक है, तो 1 kg CO2 गैस बनाने के लिए 3/11 kg कार्बन विल बी रिक्वायर्ड. क्लियर एवरीवन? ठीक है, नव्या, तारिशा, आचमन, हैंड आउट. नो सर. तो ये दो लॉज सिंपल सिंपल से. नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये भी स्कूल वालों का फेवरेट है, बोलेंगे इसको एक एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करो, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं, है ना, सेम टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स. ठीक है, तो जब हम एक का मास फिक्स रखते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का वेट कितना है, 12:16, है ना, यहाँ पर CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का वेट कितना है, 12:32. तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात बोलता है कि चूंकि जब हम एक से ज्यादा एलिमेंट बनते हैं, सॉरी एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं सेम टू एलिमेंट से, एक का फिक्स मास रखने पर दूसरा हमेशा होल नंबर रेशियो में होगा. किसमें होगा? होल नंबर रेशियो में. समझ में आ रही बात सबको? तो 12 अगर मैंने फिक्स रखा कार्बन का वेट, तो ऑक्सीजन जो है 1:2 के रेशियो में. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब एटम्स सीधे सीधे है ना 1.5 फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते एटम्स हमेशा एक होल नंबर में होंगे, तो उनका मास भी होल नंबर रेशियो में आएगा. बट ठीक है, पूरी इज्जत देनी है सर लॉ को भी, रिस्पेक्ट करनी है इसकी. क्या स्टेटमेंट आएगी इसको स्कूल में लिखने के लिए, तो क्या लिखोगे बच्चों आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन fixed mass of one element combined with mass of other element which is in whole number ratio. बताओ चो, कोई डाउट किसी को समझ आ रही बात? ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा कब? जब दो फिक्स्ड एलिमेंट, दो सेम एलिमेंट से एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे. ऑलराइट, SO2 SO3 यहाँ पर भी 2:3 रेशियो में आ जाएंगे मासेज आप जब कम करोगे तो, है ना. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल जरूर देता हूँ, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जो आप पढ़ोगे धीरे धीरे, पढ़ना है हमने ये सब केमिस्ट्री में गंदी गंदी चीजें. N2O NO N2O3, N2O4, N2O5,